अगर सब लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो भी आधा अधूरा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वी शुड स्टार्ट दैट सेशन। अभी अपना टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, राइट? या क्लबिंग है पहले? क्लबिंग तो बहुत ही छोटा सा मासूम सा नन्ना सा चैप्टर है। क्लबिंग का मतलब क्या होता है देखो, इतना सा है ये चैप्टर, दैट्स इट। क्लबिंग में अपने क्या पढ़ेंगे कि कब ऐसा होता है कि किसी और की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ लिया जाता है, कब ऐसा होता है कि किसी और की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ लिया जाता है। तो प्रोविजन बड़ा सिंपल सा है, पहला है सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। तो आपने किसी को कह दिया कि जी ये गाड़ी तो मेरी है लेकिन इससे जो हो रही कमाई है वो मैंने किसी को ट्रांसफर कर दी है, ये डिबेंचर तो मेरे नाम पे है जी लेकिन इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मैंने किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो आप बदू तो ना चले। बात समझ में आ रही है? सो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट अगर कोई भी करेगा तो क्या हो जाएगा, आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ में इनकम क्लब होगी। सेक्शन 61, ऑल इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर, ऑल इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर की परिभाषा है कि जब आपने किसी को ट्रांसफर किया है लेकिन आपने अपने पास में राइट रिजर्व रखा है, आपने अपने पास में ये राइट रिजर्व रखा है कि आप जब चाहो तब वापस ले सकते हो, आपने उसका कोई बेनिफिट अपने पास में रखा है। आप बोल रहे हो कि भाई मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ लेकिन इससे आने वाली इनकम मेरी है, तो भी ये सारी चीज़ें रिवोकेबल ट्रांसफर की परिभाषा में आ जाएगी। तो आपने सही मायने में ट्रांसफर नहीं किया, नाम का ट्रांसफर किया है। बात समझ में आई? अब रिवोकेबल, बच्चों म्यूट रखें प्लीज। हाँ, अब रिवोकेबल ट्रांसफर में आपको क्या याद रखना है, कब रिवोकेबल नहीं माना जाता, कब रिवोकेबल नहीं माना जा सकता। तो अपन ने पढ़ा था कि सुंदर वीरा अगर दया बेन को बोले कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है तब तक जब तक कि तुम जिंदा हो तो रिवोकेबल नहीं माना जाएगा, तो रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? या फिर 6 साल के समय तक रिवोकेबल नहीं है, 7 साल 8 साल 6 साल या उससे ऊपर की किसी भी ड्यूरेशन के लिए अगर वो रिवोकेबल नहीं है तो भी उसे इरिवोकेबल माना जाएगा। तो मान लो 8 साल के लिए रिवोकेबल नहीं है, 8 साल के बाद में सुंदर वीरा के पास पावर आ गया, जब चाहे ले सकता है, तो वापस से रिवोकेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो लाइफ ऑफ बेनिफिशियरी और 6 ईयर्स याद रखना है, लाइफ ऑफ बेनिफिशियरी और 6 ईयर्स याद रखना है। अगर रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है आपके स्पाउस को, आपके स्पाउस को अगर रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है एक ऐसी एंटिटी के द्वारा जिस एंटिटी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर वो रेम्यूनरेशन भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो मान लो कि भाई आपकी एक कंपनी है और आप अपनी कंपनी में अपने स्पाउस को जॉब पे रख लेते हो और उसे बेफिजूल पैसे दे रहे हो, तो फिर वो इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। अगर उसे जो पैसा दिया जा रहा है वो उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल सेट के अनुसार है तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच एसेसी हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एक्सेप्ट इफ एज पर स्किल्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर उसके हुनर के अनुसार पैसा दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली नो क्लबिंग। बात समझ में आई? एक ही कंपनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ एम्प्लॉयड हैं और आपको यूजुअली पता है कि हस्बैंड का अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वाइफ का भी हो ही जाएगा, क्योंकि फैमिली का मिला के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट चेक किया जाता है। तो अब दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया और दोनों एम्प्लॉयड भी हो गए, तो फिर किसके हाथ में क्लबिंग होगी, जिसकी हायर इनकम होगी, जिसकी हायर इनकम होगी, पर्सन हैविंग हायर इनकम। याद आई? इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस या फिर सन्स वाइफ विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर एसेट आपने ट्रांसफर कर दिया है बहू को, पुत्र वधू जिसे कहते हैं, उसको आपने अगर एसेट ट्रांसफर कर दिया है या स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर दिया है यूं ही, तो फिर उससे आने वाली इनकम भी आप ही के हाथ में क्लब हो जाएगी। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है, भैया कहाँ से पैसे कमा रहा है, क्या स्रोत है उसका, तो बोले जी कुछ नहीं, ऐसे ही जुगाड़ है, इधर उधर की इनकम उसके हाथ में डाली जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो मम्मी पापा के हाथ में टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर बच्चा खुद टैलेंटेड है, स्किल है और अपने शारीरिक श्रम से कमा रहा है,
तो फिर वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से अगर बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, माउस से बंद कर दो, हाँ, अगर बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है तो भी उसकी इनकम क्लब नहीं होती है, ताकि वो खुद 80U का लाभ ले सके और डिडक्शन क्लेम कर सके, तो वो अपने आप ही अपनी इनकम पे टैक्स भरेगा। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट इफ अर्न्ड बाय स्किल एफर्ट्स टैलेंट एंड इनकम ऑफ डिसेबल्ड माइनर चाइल्ड, यहाँ पे मैरिड माइनर डॉटर का एक्सेप्शन नहीं होता, जो डीम डोनर में होता था कि मैरिड है अगर आपकी माइनर डॉटर तो फिर डीम डोनर नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अगर आपकी मैरिड माइनर डॉटर है उसकी भी इनकम आपके हाथ में क्लब होगी। ठीक है, सो टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हैविंग हायर इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी बच्चों? मम्मी पापा में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। एक बार डिसाइड हुआ कि मम्मी के हाथ में हो रही है कि पापा के हाथ में हो रही है, उसके बाद हर साल उसी व्यक्ति के, ध्यान से, उस हर साल उसी व्यक्ति के हाथ में इनकम टैक्सेबल होती रहेगी, तब तक जब तक कि एओ को नहीं लगता है कि उसे चेंज करने की जरूरत है, तब तक जब तक कि एओ को नहीं लगता है कि उसे चेंज करने की जरूरत है। बोलो, बात समझ में आई? जब जब आप किसी माइनर की इनकम को क्लब करते हो, जब जब आप किसी माइनर की इनकम को क्लब करते हो तो 1500 रुपए का डिडक्शन मिलता है। जब जब आप किसी माइनर की इनकम को क्लब करते हो तो 1500 रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है, जितने भी माइनर हो, 2, 3, 4, 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का क्लॉज नहीं है। इनकम फ्रॉम पर चिल्ड्रन 1500, 3 बच्चे तो 1500 1500 1500, नहीं पर मंथ नहीं, आपको गाड़ी की चाबी मिल गई, चलिए आगे चलें। 1500 रुपए पर चाइल्ड का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इनकम फ्रॉम एसेट कन्वर्टेड फ्रॉम पर्सनल एसेट टू HUF एसेट, इसका मतलब क्या हुआ जी? आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट, आप दामोदर दास एंड सन्स के HUF के हिस्सेदार हैं, बट आपने कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है, आप अपनी जॉब करते हैं, तो वो जो इनकम है वो तो आपकी पर्सनल इनकम है, आप उस इनकम से कोई एसेट खरीदते हो तो वो HUF का एसेट नहीं, आपका एसेट है। अब आप उस एसेट को HUF में ट्रांसफर कर दे रहे हो, बोल रहे हो कि अब से ये प्रॉपर्टी HUF की ही रहेगी, तो फिर क्या होगा? मोबाइल किसका है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो फिर क्या मान लिया जाएगा उसको? उसको भी क्लबिंग हो जाएगा वहां पे भी। अपन ये भी पढ़ते हैं कि अगर आपने मान लो कि जानबूझ के अपने HUF में प्रॉपर्टी डाली, फिर HUF का करवाया पार्टीशन, फिर पार्टीशन करवाने के बाद में जो हिस्सा आपके स्पाउस को मिला वो भी आप ही की इनकम माना जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझ के डायरेक्टली स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बजाय HUF को दिया, फिर HUF का पार्टीशन करवा दिया, फिर उसका हिस्सा आपकी स्पाउस को दिलवा दिया, तो भी डिपार्टमेंट पकड़ लेगा आपको। बात समझ में आई? इनकम टू बी क्लब्ड इन द सेम हेड एंड इट इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम और लॉस, जब आप किसी की इनकम को क्लब कर रहे हैं तो लॉस आया तो लॉस भी क्लब होगा, क्योंकि इनकम वर्ड बाई डेफिनेशन इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, इनकम वर्ड बाई डिफॉल्ट इंक्लूड्स द वर्ड नेगेटिव इनकम। बोलिए, बात समझ में आई? एग्जेम्पशन ऑफ 1500 रुपया फ्रॉम, सॉरी, एक्रीशन ऑफ इनकम इज नॉट क्लब्ड। एक्रीशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पैसा दिया, आपने उस पैसे का कोई एसेट लिया, कमाया, तो भी क्लब होगा। आपको मैंने ज्वेलरी दी, आपने उसको बेच के पैसा कर लिया, पैसे से शेयर खरीद लिए, इनकम आई, तो भी क्लब होगी। लेकिन इनकम की इनकम आप कुछ अर्न कर लेते हो वो क्लब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने वाइफ को, मान लीजिए, ज्वेलरी दे दी, वाइफ ने ज्वेलरी को बेच के डिबेंचर खरीद लिए, वाइफ ने ज्वेलरी को बेच के डिबेंचर खरीद लिया, डिबेंचर से इंटरेस्ट मिला, क्लब होगा, क्योंकि ये डिबेंचर आप तो खरीद नहीं सकते थे, आपके स्पाउस ने आपको कुछ ट्रांसफर किया इसीलिए आप डिबेंचर खरीद पाए, तो वो इनकम स्पाउस की वजह से मिली तो क्लब हो गई। पर एक बार ये डिबेंचर की इनकम क्लब हो गई, इस इनकम को बचा बचा के वाइफ ने कुछ और एसेट खरीदा और उससे अगर इनकम आई वो क्लब नहीं होगा, वो क्लब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे अपन ने बोला एक्सेप्ट इन द केस ऑफ माइनर चाइल्ड, तो माइनर चाइल्ड को तो कुछ भी हो रहा है सब कुछ क्लब हो जाएगा, क्योंकि आप इस प्रोविजन से क्लब नहीं करोगे, मान लो अक्रीशन के प्रोविजन से क्लब
नहीं करोगे, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे माइनर को इनकम आ गई, और माइनर की इनकम माइनर के हाथ में तो टैक्सेबल होती नहीं है, मम्मी पापा के हाथ में टैक्सेबल, तो वापस से वो क्लब तो हो ही जाएगी। वाइफ के केस में नहीं हो पाया क्योंकि वाइफ अपने इनकम के लिए खुद टैक्स भर सकती है, माइनर तो भर नहीं सकता। माइनर तभी भर सकता है जब वो अपने टैलेंट स्किल अपने हुनर से पैसा कमाए। बात समझ में आई? क्लबिंग शैल हैपन इवन इफ नेचर और फॉर्म ऑफ एसेट इज चेंज, अपन ने बात कर ली। क्लबिंग हुई है फिर भी अगर एओ चाहे तो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों में से किसी को भी नोटिस सर्व कर सकता है, दोनों में से किसी से भी टैक्स की रिकवरी कर सकता है। दैट्स इट, क्लबिंग अपना कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आगे। हाँ कौन सा? अ प्रोप्राइटरी बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाई श्रीमती रानी इन द ईयर 2018 एज ऑन 1/4। अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया, रिक्वेस्ट कर लिया, हाथ जोड़ लिया कि चले जाओ। मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि चले जाइए, इलेक्शंस है, अच्छा समय नहीं है, घर चले जाइए। चलिए, अ प्रोप्राइटरी बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाई श्रीमती रानी इन द ईयर 2018 एज ऑन 1/4/2020। कैपिटल इन बिजनेस वॉज ₹3,00,000। हर हस्बैंड गिफ्टेड ₹2,00,000 ऑन 10/4/2020। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसका आपको ना एक क्लबिंग वाला पैम्पलेट लाए हो आप लोग, ठीक है ना? तो क्लबिंग वाला पैम्पलेट आप खोलेंगे ना तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर के दिन देखिए कैपिटल कितना था और फिर हस्बैंड ने कितना कैपिटल दे दिया और उसके हिसाब से आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी। Which amount श्रीमती रानी invested in her business on the same date श्रीमती रानी earned profits from her proprietary business for the financial year 2021? ₹1,50,000 which remained invested in the business. The profit earned by Mrs. Rani in financial year 2021-22 is ₹3,90,000. Compute the income to be clubbed in the hands of Rani's husband for assessment year 2022-23. तो पहले फटाफट क्लबिंग का आप लोग पैम्पलेट निकालिए। तो अब आपसे पूछा है असेसमेंट ईयर 2022-23 का, असेसमेंट ईयर 2022-23 का पूछा है, यानी कि आपको 2021-22 का बताना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि उसने हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था 2021 में, हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था 2021 में, 2021 में अगर इन्वेस्ट किया था तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2021 का कैपिटल लेना पड़ेगा और प्लस 2021 का जो प्रॉफिट आया, 2021 का जो प्रॉफिट आया वो बोला कि वो भी रिमेन्स इन्वेस्टेड, वो भी रिमेन्स इन्वेस्टेड, तो आपके हस्बैंड की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो बढ़ जाएगा और फिर एक तरफ आएगा हस्बैंड वाला अमाउंट, एक तरफ आएगा टोटल कैपिटल, हस्बैंड का हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू टोटल प्रॉफिट आप जब करोगे तो आपके पास में क्लब होने वाला इनकम आ जाएगा। किसी को क्लबिंग का पैम्पलेट नहीं मिला है ना? है ना, तो मैं मांग रहा हूं, तो आप लोग तो ढूंढे ही जा रहे हैं। तो ये कहां पे है देखिए, पॉइंट नंबर 6 में ट्रांसफर्ड एसेट डिवाइडेड बाय मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू ट्रांसफर्ड एसेट अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अब दिक्कत क्या है कि हस्बैंड ने ट्रांसफर किया 10/4/2020 को, अब क्योंकि 10/4/2020 को ट्रांसफर किया है, क्योंकि 10/4/2020 को ट्रांसफर किया, ये सेम सम ऐसा मैंने आपको दिया है बच्चा, सेम सम। विराट मेक्स अ गिफ्ट ऑफ ₹5,00,000 टू हिज वाइफ ऑन 31/1/21। अनुष्का स्टार्ट्स अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बाय इन्वेस्टिंग ₹7,50,000 ड्यूरिंग द ईयर 31/3/21 अनुष्का की इनकम ₹6,00,000 और ₹24,00,000 है। सोल्यूशन, इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपनी नीड्स टू बी पार्शियली क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ विराट, विराट के हाथ में क्लब करोगे, लेकिन 2021 के दिन, 2021 के दिन जब आप क्लबिंग करने जाएंगे, 2021 के दिन जब आप क्लबिंग करने जाएंगे तो इनकम फ्रॉम द बिजनेस कितना है, ₹6,00,000। बहुत ही अच्छी बात है, 6,00,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो
ट्रांसफर्ड एसेट अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन द फर्स्ट डे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफर एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस। एसेट इन्वेस्टेड इन अ फर्म इंटरेस्ट प्रोपोर्शन इकतीस तीन इक्कीस यानी कि बीस इक्कीस हो गया। बीस इक्कीस में तो हिसाब से ट्रांसफर्ड एसेट और कुछ है ही नहीं, तो बीस इक्कीस में आइडियली नहीं, 5 लाख तो है, 5 लाख होने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ट्रांसफर्ड एसेट या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर जब तुम देखोगे तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस का आएगा 1/4/20, तो 1/4/20 के दिन तो विराट का कुछ दिया हुआ ही नहीं है, 1/4/20 के दिन विराट का कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो 2021 में तो मैं क्लबिंग कर ही नहीं पाऊंगा। 1/4/20 के दिन विराट का कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैं कुछ क्लबिंग कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ट्रांसफर्ड एसेट अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं, ट्रांसफर्ड एसेट डिवाइडेड बाई अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन द फर्स्ट। हाँ चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, अब मैं आपको वन नोट पे लेके चलता हूं, ठीक है। पहले तो आप लोग ये वाला सम देखिए, विराट वाला। विराट ने अनुष्का को कितने रुपए की प्रॉपर्टी दी? 5 लाख रुपीस की, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख रुपए का हुआ बेटा, ठीक है। आपको देखना है कि विराट ने कितने रुपए दे दिए या एसेट दे दिया, तो 5 लाख रुपए दे दिया विराट ने। इसको आपको डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है टोटल कैपिटल से, इसको आपको डिवाइड करना है या अमाउंट इन्वेस्टेड कह लो, है ना, कहाँ गया रे। लेकिन आप अमाउंट इन्वेस्टेड कौन सा लोगे? हाँ आप लोगे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड लोगे एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब इसमें आपको बोला है कि विराट ने 31/3/21 को दिया, तो 1/4/20 चल जा, 1/4/20 के दिन आप जब कैपिटल देखोगे तो बोला है अनुष्का स्टार्ट्स अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बाय इन्वेस्टिंग 7.5 लाख इंक्लूडिंग द 5 लाख रिसीव्ड फ्रॉम विराट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3/21। 31/3/21 यानी कि चलो ठीक है, 2021 मेरा खत्म हुआ। और अब इसमें जब मैं देख रहा हूं, इसमें कुछ तो चार लाख रुपए क्लब नहीं होंगे, 6 लाख का प्रॉफिट ठीक है, 5/7.5 भी ठीक है, बट दिक्कत क्या है, मुझे यहां पे लेना है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हिसाब से देखा जाए, अगर विराट ने 31/1 को दिया है तो इसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड में विराट वाली चीज आनी ही नहीं चाहिए थी। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड में जैसे कि अगर अपने ये वाला सम देखते हैं, इसमें बोला है कि बिजनेस श्रीमती रानी ने 1/4/20 को स्टार्ट कर दिया था। ये अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके पैम्पलेट का। 1/4/20 को बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, तब उसका कैपिटल कितना था? 3 लाख रुपए का था, बहुत ही बढ़िया। अब हस्बैंड ने पैसा दिया 2 लाख रुपया, हस्बैंड ने कितना रुपया दिया? 2 लाख रुपए दिया। हस्बैंड ने क्योंकि 2 लाख रुपया दिया है तो हस्बैंड का 2 लाख रुपया तो मैं ले लूंगा, लेकिन अमाउंट इन्वेस्टेड टोटल में 5 की जगह 3 ही लूंगा। अमाउंट इन्वेस्टेड में 5 की जगह 3 ही लूंगा, क्योंकि 1/4/20 जो फर्स्ट डे था उस समय तक 3 लाख रुपए का ही कैपिटल इन्वेस्टेड था, इन टोटलिटी 3 लाख रुपए का ही कैपिटल इन्वेस्टेड था। तो 2/3 लाख इंटू प्रॉफिट 2021 का है 1.5 लाख रुपया, तो ये ऑब्वियसली 1, 2, 2 यहां पर चला गया, 1 लाख रुपया क्लब हो जाएगा। 1 लाख रुपया फर्स्ट ईयर में क्लब हो गया किसके हाथ में? मिस्टर जी के हाथ में, मिस्टर जी के हाथ में 1 लाख रुपए क्लब हो गया।
अब इसने 2 लाख रुपया तो दे रखा है पहले से, बोलो हाँ या ना। और दूसरा अब इसने और क्या दे दिया, अब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट था वो तो इन्वेस्टेड ही रहा, तो अब इनका देखो कि टोटल कैपिटल कितना हो गया। अब जब अपने इनका टोटल कैपिटल देखेंगे, 3 लाख रुपया वाइफ ने पहले से इन्वेस्ट कर रखा था, 2 लाख रुपया विराट ने और दे दिया, सॉरी रानी के हस्बैंड ने और दे दिया, 5 लाख हो गया। और इस फर्म को प्रॉफिट कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हुआ था ना, ये 1.5 लाख रुपया भी तो री इन्वेस्ट हुआ, तो 5 लाख प्लस ये 1.5 लाख रुपया और री इन्वेस्ट हुआ, तो 6.5 लाख टोटल कैपिटल हो गया फर्स्ट डे के दिन। जब आप 1/4/2021 को देखना स्टार्ट करोगे, जब आप 1/4/2021 को देखना स्टार्ट करोगे, इसमें 3 लाख रुपया श्रीमती रानी का इन्वेस्टेड है, हस्बैंड ने 2 लाख रुपया दिया था पिछले साल के बीच में दिया था, लेकिन दे दिया था, तो अगले साल के जब मैं फर्स्ट तारीख देखूंगा उस समय तो हस्बैंड का पैसा भी है, प्लस पुराने साल का 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 6,50,000 हो गया। और हस्बैंड की तरफ से अभी और कोई फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशन तो आया नहीं है, फ्रेश कोई पैसा का लेन देन तो हुआ नहीं है, तो अपने क्या ले लेंगे, 2 लाख रुपया जो हस्बैंड का दिया हुआ था वही रहा। अब 2 लाख डिवाइड बाई 6.5 लाख इनटू इस साल का प्रॉफिट कितना है, 3,90,000। तो आप ये रेशियो निकालिए, ये 0-0 कट गया, ये कट गया, कितना आ रहा है, 1,20,000 आंसर हो जाएगा, 1,19,000 समथिंग आ रहा है, दैट इज एज गुड एज 1,20,000 जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या हुआ, दोबारा से देख लीजिए एक बार ठंडे दिमाग से, एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसी तरह का एक और बनाता हूं। मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया 3 लाख रुपीस ऑन 15/7/2020, 15/7/2020 को 3 लाख ट्रांसफर किया। मिसेज एक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था 5 लाख रुपया एज ऑन 1/4/2020 अरे जाना, इसको बंद करने का ऑप्शन, उसी को दबाया तो ये खेल हुआ मेरे साथ। चलो तो क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने ध्यान दीजिए, सारी बातें समझाऊंगा। मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया 3 लाख रुपया, मिसेज एक्स ने इन्वेस्ट कर रखा था 5 लाख रुपया 1/4/2020 को, क्लियर है। और ये कौन सा साल चल रहा है बच्चों, 2021 है, 2021 का लेटेस्ट से प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया, क्लैरिटी है आपको। अब अपन ने बोल दिया कि अमाउंट स्टेज इन्वेस्टेड, प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ, इन्वेस्टेड रहेगा इसी बिजनेस के अंदर, कोई दिक्कत। और अब बोल दिया कि 21-22 का प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपया, ठीक है। और आपको बोला कि बताओ 21-22 में कितना क्लब होगा, ये आपका सवाल है। आपको बोला 21-22 में कितना क्लब होगा, ये आपका सवाल है। और आपको ये भी पूछ लिया कि चलो लगे आ तो 2021 का भी क्लबिंग क्या होगा बता दीजिए, ठीक है। दोनों सवालों के जवाब अपने को निकालने हैं। पहले फॉर्मूला देख लेता हूं, अमाउंट टू बी क्लब्ड इज इक्वल टू, अमाउंट टू बी क्लब्ड क्या होगा, अमाउंट
गिवन बाई स्पाउस, अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड एज ऑन फर्स्ट डे. टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड एज ऑन, ठीक है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड एज ऑन फर्स्ट डे, कोई दिक्कत, इनटू प्रॉफिट. ये कहानी है. अब हस्बैंड ने, मिस्टर एक्स ने कितना रुपया दिया था? 3 लाख दिया था, 3 लाख दिया था. आप देखो, अगर बिजनेस में 8 लाख इन्वेस्ट हो चुका है शायद, क्योंकि 5 लाख वाइफ ने इन्वेस्ट किया, 3 लाख हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया, लेकिन 1/4/20 जो पहला दिन है बिजनेस का, उस दिन कितना इन्वेस्टमेंट है? तो उस दिन तो 5 लाख ही दिखा रहा है ना. तो 3 लाख बाई 5 लाख इंटू इस साल का प्रॉफिट 2 लाख. तो ये कट गया, 6/5 आपने किया, 1,20,000. ये 20-21 में क्लब हो जाएगा, ये 20-21 में क्लब हो जाएगा. हो गया. अब मैं निकालूंगा 21-22 का. 21-22 को जब आप सॉल्व करोगे, हस्बैंड का दिया हुआ अमाउंट तो अभी भी कितना है, लेकिन अब बिजनेस का कैपिटल कितना हो गया? 3 हस्बैंड वाला, 5 वाइफ वाला, 2 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो गया? तो 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, और इस बार का प्रॉफिट कितना है? 4 लाख. तीन चार 12, 12/10 किया 1,20,000. ये अच्छा चाल, सब जगह 1 BC आ रहा है. तो ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया. फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, नहीं नहीं माना जाएगा. अब सवाल है कि सर हमारे पैम्पलेट में जो सम था, हमारे पैम्पलेट में जो सम था उसमें ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि सर उसमें तो विराट ने बीच में पैसा दिया था और फिर उसकी वाइफ ने बीच में ही बिजनेस स्टार्ट किया था. तो एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है हमारे पैम्पलेट में. क्या पॉइंट है आप देखो, पैम्पलेट पे आ जाएं वापस. विराट मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 5 लाख टू हिज वाइफ अनुष्का ऑन 31/1/21, ऐसा बोला. फिर बोला अनुष्का ने 5 लाख विराट वाला लिया, उसमें 2.5 लाख रुपया अपना मिलाया और 7.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, अज्यूमिंग 31/1/21 को ही स्टार्ट किया. ठीक है, अब ये क्या हो गया? जब आप कोई नया बिजनेस मिडल ऑफ द ईयर में स्टार्ट करते हो, जब आप कोई नया बिजनेस मिडल ऑफ द ईयर में स्टार्ट करते हो और आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम का डिटेल नहीं दिया गया है, तो उस पहले साल के लिए, उस फर्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए, आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने का नहीं होगा. आपका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? 31/1/21 से स्टार्ट होगा और 31/3/2022 को खत्म हो जाएगा. नॉर्मली 1/4/21 से स्टार्ट होता है, इसका भी अगले साल से 1/4/21 से ही चालू होगा. लेकिन फर्स्ट ईयर, जब मिडल ऑफ द ईयर में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपका, क्या अनुष्का का कोई और सोर्स ऑफ इनकम बताया? तो उसका आज तक प्रीवियस ईयर था ही नहीं कुछ. तो उसका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ? जब धंधा चालू हुआ, जब सोर्स ऑफ इनकम पैदा हुई. तो इसीलिए 31/1/21 नॉर्मली कभी भी फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं होता, बट यहां पे हो जाएगा. नॉर्मली 31/1/21 कभी भी फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं होता, लेकिन यहां पे हो जाएगा. बोलो, बात समझ में आएगी? पक्का. अब जब मुझे ये समझ में आ गया तो मेरे लिए सम आसान हो गया. अब मुझे पता है कि 5 लाख रुपया विराट ने दिया और फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए का है. फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए का है. बोलो हाँ या ना. और फिर क्या करूंगा? प्रॉफिट कितना हुआ? तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा.
4 लाख हो जाएगा, तो अब ये 4 लाख रुपया भी अमाउंट इन्वेस्टेड रहने वाला है, तो अब बिजनेस में 7.5 लाख रुपया तो था और प्लस इस साल का प्रॉफिट 6 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया था प्लस इस साल का प्रॉफिट 6 लाख, तो टोटल बिजनेस में कितना 13,50,000 इन्वेस्टेड रहा और विराट का शेयर 5 लाख रुपया रहा, 5 × 13, 50 × 24 लाख। बात समझ में आई? अपन ने भी तो यही किया था ना अभी। आपने क्या किया, 3 लाख रुपए लिया हस्बैंड वाला, 5 लाख रुपया लिया वाइफ वाला और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। आप जब यहां पे बिजनेस का कैपिटल काउंट कर रहे हो तब क्लबिंग वाली अमाउंट को थोड़ी देखोगे, तब तो पूरा प्रॉफिट देखोगे ना, क्योंकि बिजनेस में तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए री इन्वेस्ट हुआ है। तो बिजनेस का कैपिटल जो है 3 + 5 + 2 10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख रुपए के हिसाब से आपने सॉल्व किया। ऐसा ही ये कहते हैं एक और समय, ये भी ऐसा ही है। राम हैज गिफ्टेड ऑन 11th मे एन अमाउंट ऑफ 10 लाख टू हिज वाइफ सीता विदाउट कंसिडरेशन एंड ऑल्सो फॉर नॉट टू लिव अ पार्ट। द गिफ्टेड अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड बाई हिज वाइफ इन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी ऑन विच शी अर्न्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख ऑन 1st January 2022। द अमाउंट इंटरेस्ट और ₹1 लाख वॉज फर्दर इन्वेस्टेड बाई हर इन द बिजनेस फ्रॉम विच शी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। अब अगर आप देखो 1 लाख रुपए का इनकम कहां से आया, जो राम ने दिया था उस चीज से सीता को 1 लाख रुपया मिला, पर 15,000 रुपया कहां से आया, इनकम की इनकम है ये, इनकम की इनकम है ये, और इनकम की इनकम को क्लब नहीं करते, इनकम की इनकम को क्लब नहीं करते। इसीलिए आप देखो अगर ध्यान आपने दिया हो, हम लोग सेकेंड ईयर भी विराट का शेयर 5 लाख ही ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 5 लाख विराट का है और जो 4 लाख रुपया का प्रॉफिट विराट के हाथ में क्लब हुआ था वो एक्चुअली 4 लाख रुपए तो विराट का हो गया, तो आप विराट का कंट्रीब्यूशन 9 लाख लो, ऐसा अपन ने बोला क्या? वो इनकम को एक बार क्लब कर लिया, अब वो इनकम वाइफ के पास में, वाइफ उस पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ और कमा रही है, तो फिर आप उस इनकम को विराट के हाथ में नहीं पकड़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? आप अभी भी 5 लाख के रेशियो से ही निकाल रहे हो। आप ये मान, 5 में नीचे 13.5 लाख रुपया आया राइट, जिसमें अगर आप एक्चुअली देखो तो 5 लाख रुपया तो विराट वाला है और प्लस 4 लाख रुपया विराट के वजह से आई हुई इनकम है, लेकिन अब आप इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे नई इनकम कमा रहे हो, वो क्लब नहीं होती। इनकम की इनकम को क्लब नहीं करते, इनकम की इनकम को क्लब नहीं करते, इनकम की इनकम को क्लब नहीं करते। तो जो 40th वाला सम है आपका, वो तो बहुत ही आसान है बच्चों। 40th वाले सम में तो बोला है कि भाई फर्स्ट ईयर में उसने 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट कमाया, बताओ क्लब होगा? और फिर आपको बोला है कि सेकेंड ईयर में उसने 15,000 रुपए का इस इंटरेस्ट से किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया, तो 1 लाख रुपया इनकम है कहां से, एसेट जो दिया गया था उससे, तो एसेट की इनकम क्लब होगी, पर इनकम की इनकम क्लब नहीं होगी। बात समझ में आ गई? आगे चलें, पकड़ो बेटा। तो वही बिजनेस कर रही है, वही बिजनेस चला रही है। तुमने किसी को 5 लाख रुपए आज दे दिया और वो व्यक्ति 10 साल 15 साल बिजनेस करता है और 5 लाख के बिजनेस को 2 करोड़ का बिजनेस बना लेता है, तो उसके हिस्से में ज्यादा जाना बनता है कि नहीं बनता है? यस और नो? आगे चले, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में आ गए। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में इंट्रा हेड होता है और इंटर हेड होता है, इंट्रा हेड होता है और इंटर हेड होता है। इंट्रा हेड में क्या होता है कि हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर
पीजीबीपी का पीजीबीपी के अंदर, सीजी का सीजी के अंदर, है ना। स्टेप टू इंटर एड हो गया, जिसमें कि आप बिजनेस का लॉस को सीजी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी कुछ लॉस बच गया, अगर बेटा उसके बावजूद भी कुछ लॉस बच गया तो उसका क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है, सबसे पहले तो आप करंट ईयर का खर्चा दिखाओ, सबसे पहले आप करंट ईयर का खर्चा दिखाओ, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दिखाओ, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग दिखाओ, उसके बाद आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिखाओ, और सबसे लास्ट में आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फैमिली प्लानिंग, साइंटिफिक रिसर्च वाला अनएब्जॉर्ब जो पोर्शन था वो सबसे लास्ट में दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर ओनली 8 ईयर्स। तो सबसे पहले 8 साल वाला जो है उसको दिखा के खत्म करो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो बाद में भी आप दिखा सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब आप देखिए बच्चों, ये एक टेबल है ना, इस एक टेबल में आपका इंटर इंट्रा सब हो जाएगा। देखना चाहते हैं? सैलरी में तो लॉस ही नहीं होता, तो बात ही खत्म हो गई। हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के किसी भी प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। एनी हाउस प्रॉपर्टी के साथ जब तुम सेट ऑफ करोगे तो नो लिमिट। मतलब हाउस प्रॉपर्टी 1 में 5 लाख का लॉस था और हाउस प्रॉपर्टी 2 में 10 लाख की इनकम थी, सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं? हाउस प्रॉपर्टी 1 में 5 लाख का लॉस था, हाउस प्रॉपर्टी 2 में 10 लाख का इनकम था, सेट ऑफ हो जाएगा। आप किसी दूसरे हेड के साथ करने जब जाते हैं तो 2 लाख का लिमिट होता है। आप जब किसी दूसरे हेड के साथ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को तुम बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम 2 लाख का सेट ऑफ कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, वरना लोग क्या कर रहे थे कि भैया हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया बम्पर, और फिर जो 2 लाख रुपए का प्रोविजन है, एक 2 लाख रुपए का प्रोविजन आप पढ़ते हो कि भैया मैक्सिमम इंटरेस्ट ये है, फलाना है, ढिकाना है, उसका कोई मायने नहीं रह जाता। आप लॉस दिखा दो दुनिया भर का और फिर उस लॉस को आप क्या कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दूसरे हेड की इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर लोगे तो आपका तो प्रॉफिट कम हो ही जाएगा, आपका तो प्रॉफिट कम हो ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने दिखा दिया 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया, और मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी थी उसमें इनकम थी 3 लाख रुपए की, मैंने दिखा दिया 8 लाख का इंटरेस्ट, तो 5 लाख का लॉस आया। पर ये 5 लाख का लॉस, मेरे पास और कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो है नहीं, तो मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस 5 लाख के लॉस को बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ कर दे रहा हूँ, तो मैं ना तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स भर रहा हूँ ना बिजनेस में टैक्स भर रहा हूँ। तो इन्हें बोल दिया भाई अदर हेड में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही सेट ऑफ अलाउड होगा, अदर हेड में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही सेट ऑफ अलाउड होगा। अच्छा, तो हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, अब चलते हैं पीजीबीपी में। पीजीबीपी में 3 तरह के लॉस हो सकते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, जनरल बिजनेस का लॉस। जनरल बिजनेस का अगर आपको लॉस होता है, आप उसको किसी भी बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। जनरल बिजनेस का अगर आपको लॉस होता है, आप उसको किसी भी बिजनेस की, आप देखो अगर आप ये पढ़ो ना, इसमें कोड है, जो भी काले अक्षरों में लिखा हुआ है ना वो इंट्रा हेड का ट्रीटमेंट है, और जो भी नीले अक्षरों में लिखा गया है वो इंटर हेड का ट्रीटमेंट है। देख पा रहे हो आप? अच्छा हाँ, देखो सैलरी में तो ना इंटर ना इंट्रा लॉस होता नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में ब्लैक अक्षरों में मैंने लिखा है एनी हाउस प्रॉपर्टी नो लिमिट, सो दिस इज इंट्रा हेड। ब्लू में लिखा अदर के लिए मैक्सिमम 2 लाख, तो ये हो गया इंटर हेड। जनरल बिजनेस किसी भी बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो ब्लैक में, यानी कि इंटर हेड इंट्रा हेड हो गया ये। और एनी इनकम, मतलब आप सीजी के साथ भी कर सकते हो, आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हो, आईएफओएस की इनकम के साथ भी कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी। मैंने आपको बताया था पीजीबीपी और सैलरी की पटती नहीं है, पीजीबीपी और सैलरी की पटती नहीं है, तो इस केस में आप सैलरी के साथ इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से लॉस होगा तो आप सिर्फ किसके साथ सेट ऑफ करोगे? इसमें कुछ भी ब्लू से लिखा ही नहीं गया क्योंकि इंटर हेड का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। स्पेसिफाइड बिजनेस का भी सिर्फ ब्लैक में ही लिखा गया क्योंकि ये भी इंटर हेड के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? सीजी में आ जाते हैं, सीजी में भी आप देखो कुछ भी ब्लू में नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि इंटर हेड के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए भी लिख दिया इंटर हेड और क्रॉस कर दिया, यानी कि इंटर हेड इसका
इसका लॉस इंटरहेड सेट ऑफ नहीं होता। ध्यान से देखना, सीजी का दिल बड़ा है, उसका लॉस किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होता, बट किसी का भी लॉस सीजी के साथ सेट ऑफ हो सकता है, किसी का भी लॉस सीजी के साथ सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। बात समझ में आई? अदर सोर्सेज में अगर आप देखोगे, कैजुअल इनकम में कभी लॉस हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। कैजुअल इनकम में कभी लॉस हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज में अगर लॉस है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज में लॉस है, तो वो सिर्फ उसी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। इसके अलावा कोई भी लॉस है तो आप उसको किसी भी IFOS की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ब्लैक में लिखा यानी कि इंट्रा हेड, ब्लू में लिखा एनी हेड, यानी कि आप इस लॉस को PGBP, सैलरी, CG, किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ करवा सकते हैं। ये हो गया इंटर हेड। तो आपका ये जो एक इतना सा कॉलम है, इसमें इंट्रा हेड इंटर हेड सारे नियम आ गए, इंट्रा हेड और इंटर हेड सारे नियम आ गए। आपको अगर ये पढ़ना थोड़ा विचित्र लग रहा है तो अपने देख सकते हैं। सैलरी में कभी लॉस होता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी एनी हाउस प्रॉपर्टी, PGBP जनरल बिजनेस एनी बिजनेस, नहीं इंट्रा कर रहे हैं ना अभी तो, इंट्रा कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस CG में आ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, कैजुअल इनकम किसी के साथ भी नहीं, अदर IFOS इनकम, एनी IFOS इनकम, ठीक है। अब यही अगर मुझे इंटर हेड पढ़ना हो, अगेन सैलरी का तो कोई मतलब नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एनी हेड मैक्सिमम 2 लाख, PGBP में सिर्फ और सिर्फ जनरल बिजनेस ही एलिजिबल है, जनरल बिजनेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी, CG नो सेट ऑफ, IFOS अगर एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है वो किसी और हेड में सेट ऑफ नहीं होता, कैजुअल इनकम में कभी लॉस ही नहीं होता, अदर IFOS अगर है तो एनी हेड। बोलो बात समझ में याद आया ये प्रोविजन? ये सब लिखा हुआ है बेटा तेरे पैम्पलेट में। अब इसी पैम्पलेट में अपने आ गए कैरी फॉरवर्ड पे, इसी पैम्पलेट में अपने आ गए बच्चों कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या लिखा है। सैलरी में लॉस नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड कहां से होगा? हाउस प्रॉपर्टी में कैरी फॉरवर्ड होगा और होने के बाद सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में होगा। कैपिटल गेन्स का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ कैपिटल गेन्स के साथ होगा। पीजीबीपी में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, स्पेक्यूलेटिव जो है वो स्पेक्यूलेटिव के साथ होगा, स्पेसिफाइड जो है वो स्पेसिफाइड के साथ होगा, जनरल जो है वो किसी भी बिजनेस के साथ होगा, जनरल जो है वो किसी भी बिजनेस के साथ होगा। बात समझ में आई? अदर सोर्सेज अगर है, ओमरो के अलावा और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, ओमरो के अलावा और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता। अच्छा जी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल? 8 साल। कैपिटल गेन 8 साल। पीजीबीपी में स्पेक्यूलेशन है तो 4 साल, स्पेसिफाइड है तो अनलिमिटेड, जनरल बिजनेस है तो 8 साल और ओमरो है तो 4 साल। अच्छा काम है 8 साल, बुरा काम है 4 साल, बहुत ही अच्छा काम है तो अनलिमिटेड। बात समझ में आई? हो गया क्लियर? ओनली लॉस अंडर द हेड IFHP। IFHP के लॉस की खास बात क्या है? आप टाइमली लॉस रिटर्न नहीं भरो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप टाइमली लॉस रिटर्न नहीं भरो तो भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई? स्पेशल केसेस,
अमेलगमेशन फर्दर 8 ईयर, डी मर्जर में सिर्फ रिमेनिंग है, रीऑर्गेनाइजेशन में भी फर्दर 8 ईयर है, अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी है फर्दर 8 ईयर है, अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी है फर्दर 8 ईयर है, कोऑपरेटिव बैंक्स में चाहे अमेलगमेशन हो चाहे डी मर्जर हो, रिमेनिंग 8 ईयर्स, रिमेनिंग 8 ईयर्स, याद रखने वाली चीज है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो नॉर्मल कंपनी का अमेलगमेशन फर्दर 8 ईयर, नॉर्मल कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन फर्दर 8 ईयर, नॉर्मल कंपनी का डी मर्जर है तो रिमेनिंग पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। आप अगर देखो डी मर्जर कहीं पे भी है तो फर्दर 8 ईयर नहीं है, सब जगह रिमेनिंग है। डी मर्जर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक में भी क्या है, रिमेनिंग 8 ईयर, नॉर्मल कंपनी में भी क्या है, रिमेनिंग 8 ईयर। बोलो बात समझ में आई। अमेलगमेशन अगर आप देखो नॉर्मल में फर्दर 8 ईयर, बैंकिंग कंपनी में भी फर्दर 8 ईयर, खाली कोऑपरेटिव बैंक अगर है तो रिमेनिंग पीरियड आउट ऑफ 8 ईयर्स, याद रहेगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, सक्सेशन बिजनेस, ब्ला 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 ब्ला, इसमें आप क्या पढ़ते हो, तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर जा रहा है, तो जो इस जाने वाले पार्टनर के हिस्से का लॉस है, जो इस जाने वाले पार्टनर के हिस्से का लॉस है, जो इस जाने वाले पार्टनर के हिस्से का लॉस है, इसे आप कैरी फॉरवर्ड, ध्यान से तार बचा के, जो इस जाने वाले पार्टनर के हिस्से का लॉस है, इसे अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में। तो मान लीजिए ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस चला आ रहा था 9 लाख रुपए का, तीन पार्टनर अज्यूम कर लेते हैं इक्वल है, तो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा 3 लाख है, इस साल का मान लो प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का, इस साल का प्रॉफिट हुआ, तो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस था 9 लाख का, 1.5 लाख रुपया का आपका प्रॉफिट हो गया, तो अब आपका सेटल्ड लॉस जो है 7.5 लाख बचा, इसमें से 1/3 हिस्सा 2.5 लाख रुपया जो है ये उस जाने वाले पार्टनर का है, इसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए 9 लाख का लॉस था, इस साल और 3 लाख का लॉस लग गया, तो अब टोटल लॉस 12 लाख का हो गया, जाने वाले पार्टनर का 1/3 का लॉस है तो उसका लॉस 4 लाख हो गया, इसे अब आप कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये बंदा है ही नहीं, अब ये बंदा है नहीं, अपना लॉस लेके चला गया। बोलो बात समझ में आई पक्का। चलो, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएगी जब 51% और मोर वोटिंग पावर वाले पुराने लोग आज भी 51% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करते। बोलो बात समझ में आई। फिर हम आ गए डिडक्शंस में। डिडक्शंस में क्या याद रखना है बच्चों, 80C से 80U का डिडक्शन जो है आपको अलाउड होता है। कौन कौन सी इनकम से नहीं मिलता, LTCG से नहीं मिलता, दो ही LTCG होती है, या तो 112 या 112 ये दोनों से नहीं मिलता, STCG अंडर सेक्शन 111A से नहीं मिलता, नॉर्मल STCG से मिलता है, क्यों, क्योंकि वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल होती है। LTCG से क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप 112 में जाओगे तो स्पेशल रेट है 20%, 112A में जाओगे तो भी स्पेशल रेट है 10%, तो जो भी स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है उस पे नहीं मिल रहा है। STCG में दो चीजें हैं, एक 111A है जो 15% है, स्पेशल रेट है, इसलिए इससे नहीं मिल रहा, जो नॉर्मल STCG है वो स्लैब रेट पे टैक्स हो रहा है, इसीलिए उससे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगा, और जो और स्पेशल रेट पे टैक्स होने वाली इनकम है 115AC, 115AD, 115BBD, 115BBDA एक्सेट्रा, इससे भी आपको लॉस डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C में आ गए। 80C में क्या है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट और 1-2 खर्चे, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट और 1-2 खर्चे। खर्चे कौन से, बच्चे की ट्यूशन फीस भरी, बच्चे की, और दूसरा खर्चा घर का लोन का प्रिंसिपल पोर्शन रीपे किया, घर खरीदने पे खर्चा किया, स्टैम्प ड्यूटी भरने पे खर्चा किया, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हैं, NSC है, PPF है, RPF है, FD के लिए कम से कम 5 साल होना चाहिए। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन खर्चा आ गया बच्चों, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन खर्चा आ गया ना,
रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन खर्चा आ गया, और एक और मैंने आपको बताया ट्यूशन फीस मैक्सिमम दो बच्चों का भर सकते हैं। एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए। हार्वर्ड का फीस भर रहे हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम हो सकता है, सुपर एन्युएशन फंड, बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, फाइव ईयर पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, न्यू एनपीएस टीयर टू, ये सभी चीजें एलिजिबल है, ये सभी चीजें एलिजिबल है। एलआईसी का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, एलआईसी का प्रीमियम भरते हो तो उसके काफी सारे प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? पॉलिसी अगर ऑन और 1/4/12 के बाद की है तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 10% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर बिफोर 1/4/12 है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 1/4/13 ऑन और आफ्टर 1/4/13 है प्लस डिसेबल्ड एम्प्लॉई है तो 15% तक का आप प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपका सम अश्योर्ड था 5 लाख, प्रीमियम पेड है 70,000, ठीक है। पॉलिसी 1/4/10 को लिया तो क्या होगा? 1/4/13 को लिया तो क्या होगा? अगर पॉलिसी 1/4/10 को लिया तो 1/4/12 से पहले लिया, तब तक कितना अलाउड होता था? और 70,000 तो 20% से कम है तो पूरा का पूरा 70,000 अलाउड हो जाएगा। 1/4/13 पे लिया तो 10% अलाउड था आपको, तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है तो 50,000 अलाउड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? 80CCC ये पेंशन स्कीम है। किसकी पेंशन स्कीम है? इंश्योरेंस वालों की पेंशन स्कीम है। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख, 80C में भी 1.5 लाख, 80CCD में भी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख होता है, लेकिन 80CCD में बहुत कुछ होता है। 80CCD में क्या क्या होता है? 80CCD में तो अपने को पता है कि एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और अलग से NPS और है। 80CCD 1B, यहाँ पे अप टू 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना? 10% ऑफ सैलरी और अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड विच एवर इज लेस। एम्प्लॉयर में भी कितना? 10% ब्ला 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 ब्ला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14%। बात समझ में आई? 80CCE बोलता है कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD का 1, इन तीनों को मिला के डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख हो सकती है। तो और बच गया क्या? 80CCD 2 बच गया, 80CCD 1B बच गया NPS वाला। बोलो बात समझ में आई? CC है ये, C होगा बेटा, C प्लस CCC प्लस 80CCD 1 मिला के कितना आ सकता है? 1.5 लाख रुपया। तो आपको टोटल मिल जाएगा 1.5 प्लस 80CCD 2 का पोर्शन और प्लस 80CCD 1B का पोर्शन, क्योंकि ये 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर की चीजें हैं। बोलो बात समझ में आई? फिर हम आ गए 80D में। 80D को आप चाहे दवा कह लो, चाहे आप देवता कह लो, चाहे दलाल कह लो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात है। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ SSDC है, यहाँ पे SSDC है, मतलब सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। और जब आप LIC प्रीमियम देखते हो तो वहां पे SSC है, यानी कि सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रेन है। डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप माइनर मेजर किसी का भी भर रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जरूरी है कि सेल्फ स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रेन हो। 80D में
80D में बेसिकली आप दो चीज़ें करते हैं, एक हो जाता है SSDC, एक हो जाता है पेरेंट्स। आपने या तो किया कंट्रीब्यूशन, या आपने किया ट्रीटमेंट का खर्चा, या आपने किया हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप दोनों का मिला के है 5,000 कैश, या फिर बैंक दोनों चले, ठीक है। ये ट्रीटमेंट वाला खर्चे के लिए 2550 है, यहाँ भी 2550 है, यहाँ भी 2550 है, यहाँ भी 2550 है। ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए? सीनियर सिटीज़न का होना चाहिए, जिसके पास में मेडिक्लेम ना हो। बात समझ में आई? पर मज़े की बात यह है कि टोटल भी 2550 है, टोटल भी 2550। तो 80D में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1,00,000 मिल सकता है, बशर्ते कि आप भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके बाप भी सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। समझ गए? 80D की सारी बातें हो गई। DD इज डिसेबल डिपेंडेंट। डिसेबल डिपेंडेंट में अगर डिसेबिलिटी माइनर है तो 75,000, मेजर है तो 1,25,000। यहाँ पे कोई अप टू कुछ नहीं है, फ्लैट डिडक्शन है। अप टू कुछ नहीं है, फ्लैट डिडक्शन है। आपका खर्चा क्या लग रहा है उससे कोई मायने नहीं रखता। 80U में अगर आप खुद डिसेबल्ड हैं तो आप ले सकते हैं, सेम एज 80DD, यानी कि वही 75,000, 1,25,000। बात समझ में? 80DD भी इस डरावनी बीमारी। यहाँ पे नियम क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000, विच एवर इज लोअर। सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1,00,000, विच एवर इज लोअर। बोलो, बात समझ में आई? इसमें सबसे काम की चीज क्या है? मान लीजिए आपने खर्चा किया था 60,000, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 40. किसी को कोई डाउट? अब आपके एम्प्लॉयर ने 12,000 रीइंबर्स कर दिया तो कितना डिडक्शन मिलेगा? तो 40 में से 12 लेस हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि 60 में से 12 लेस करो, 48 एंड 40 को कंपेयर करके 40 का डिडक्शन ले लो, ऐसा नहीं है। साफ साफ बोला हुआ है अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो पहले डिडक्शन का अमाउंट निकालिए, फिर इस चीज को लेस कीजिए। ऐसा नहीं बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर से आप इसे लेस कीजिए। बोलो, बात समझ में आई? तो कहां लिखा हुआ है जी डिडक्शन? इतना 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 नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। रिइंबर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी टू बी रिड्यूस फ्रॉम डिडक्शन, हो गया। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, 60 साल के ऊपर का है, फिर भी उसको नो सीनियर सिटीजन है ना, आज सुबह ही अपन ने देखा था। 80E इज एजुकेशन। एजुकेशन में कोई अमाउंट का कैपिंग नहीं है, 8 साल तक डिडक्शन ले सकते हो। ईयर का कैपिंग है, ईयर का कैपिंग है। बात समझ में आई? 80EE इज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्योंकि आपको ऑलरेडी 24B में 2,00,000 रुपया तक का तो मिल ही रहा है, यहाँ पे आपको और मिल रहा है। पर इसके नियम क्या क्या हैं? घर की वैल्यू 50,00,000 से ज़्यादा ना हो, लोन की वैल्यू 35,00,000 से ज़्यादा ना हो, और इसके पास में और कोई घर ना हो जिस दिन इसने लोन लिया। डिडक्शन मैक्सिमम कितना? 50,000। लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/16 और 31/3/17 के बीच।
80EEA वापस से ऐसा ही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो, आपके पास कोई घर ना हो, एसएससी 80EE के लिए एलिजिबल ना हो, तो आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली फ़र्क क्या है, 50,000 एक जगह 1.5 लाख है, एक जगह लोन की अमाउंट डेट 1/4/16 से 31/3/17 यानी 16/17, और एक जगह पे 19/20 से लेके 21/22 तक का आपको कवरेज दिया है, 19/20 से लेके 21/22 तक की आपको कवरेज दी है। बोलो बात समझ में आई? एट्टी ई में, बहुत ही अच्छा सवाल है जॉलिन का। जॉलिन कह रहा है कि सर यहाँ पे एफआई लिखा हुआ है, ईआर लिखा हुआ है, एसएससी लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको लोन आप अपने परिवार से नहीं ले सकते, लोन आप अपने परिवार से, लोन आपको किसी बैंक से, किसी प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना होगा, या फिर आप एम्प्लॉयर से ले सकते हो, या फिर आप एम्प्लॉयर से ले सकते हो। अच्छा, एटी में किसकी पढ़ाई हो सकती है? सेल्फ की पढ़ाई हो सकती है, स्पाउस की पढ़ाई हो सकती है, और चिल्ड्रन की पढ़ाई हो सकती है। समझ गए? तो सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, और एफआई माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ईआर मतलब एम्प्लॉयर, ठीक है। ईईबी मतलब इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना है जी? ये कंडीशन काट दो, ये गलती से ईईए वाला आ गया है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख का है यहां पे भी। बोलो बात समझ में आई? 80G इज ग्रांट, आप डोनेशन दे रहे हैं, जहां भी नेशनल नाम आता है, नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फंड फॉर ड्रग कंट्रोल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे जितने भी नेशनल वाले हैं, प्लस जिला साक्षरता समिति, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक फंड, अफ्रीका फंड, ये सब पे 100% विदाउट लिमिट है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट फंड में 50% विदाउट लिमिट है। अपने पता था कि गांधी परिवार के लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर का ड्राउट आ गया है। गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, कोई भी और चैरिटेबल का काम कर रही है फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए कर रही है तो 100% विद लिमिट, और फैमिली प्लानिंग के अलावा कोई भी और काम कर रही है तो फिर 50% विद लिमिट। ओलंपिक एसोसिएशन या किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एसोसिएशन को डोनेशन दिया तो 100% विद लिमिट। बात समझ में आ रही है? मंदिर मस्जिद के रेनोवेशन के लिए दिया, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दिया, और फैमिली प्लानिंग के अलावा किसी और चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया तो 50% विद लिमिट, ठीक है। 2000 से ज्यादा का डिडक्शन कैश में दिया तो अलाउड नहीं है, काइंड में डिडक्शन डोनेशन दिया तो क्या होगा? नहीं मिलता, नहीं तो लोग सब अपने घर के पुराने कपड़े बर्तन देंगे और बोलेंगे अलाउड डिडक्शन। अच्छा, ये जो विथ लिमिट बोला हुआ है, लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G और वो सारी स्पेशल वाली जो इनकमें थी, 111A, 112, 112A, कैजुअल इनकम, ये सब लेस कर दो। इसका 10% तक का आपको डोनेशन देने का अधिकार है, फिर उस डोनेशन में से आप देखिए कि 100% वाला है कि 50% वाला है। 80GG का मतलब घर घर होता है, घर घर का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो कि एचआरए जिनको नहीं मिलता, वो लोग जिनको एचआरए नहीं मिलता, हाउस रेंट अलावेंस नहीं मिलता, वो लोग भी तो बेचारे किराया दे रहे हैं, तो उनको तो कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा, तो उनके लिए 80GG आ गया, और थोड़ा थोड़ा एचआरए से मिलता जुलता है, जैसे कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी की जगह रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एक चीज़ है 5,000 रुपया और एक चीज़ है, वहाँ पे होता था 40% और 50% ऑफ सैलरी,
उसकी जगह यहाँ पे होता है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो लोअर होगा उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 80GG का मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, आंसर इज 5000। 80GGA क्या है, कोई भी SEC जिसका PGBP का बिजनेस है उसके पास में 35CCA होता है, छपरा चलो आगे, और 35 होता है साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन जिसके पास में PGBP का इनकम नहीं है, जिसके पास में PGBP की इनकम नहीं है, वो अगर गांव के कल्याण के लिए डोनेशन दे रहा है, वो अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहा है, तो उसको कैसे डिडक्शन मिलेगा? उसको कहां मिलेगा? उसको 80GGA में मिलेगा। तो 80GGA को अपने बोलते थे गांव ज्ञान आगे, ज्ञान फॉर साइंस, गांव फॉर रूरल। तो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया और आप PGBP की इनकम आपके पास नहीं है, तो आप 80GGA में डिडक्शन ले सकते हैं। कितना? 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। 2000 से ऊपर का कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। 80GGB 80GGC दोनों सेम है। किसको डोनेशन दिया जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है। दोनों में 100% 100%, एक जगह पे कंपनी दे रही है, एक जगह पे कंपनी के अलावा के कोई भी लोग दे रहे हैं। बात समझ में? किसमें? इसमें तो कुछ कैश होगा तो नॉट अलाउड, कुछ भी कैश होगा नॉट अलाउड, नो कैश डोनेशन। फिर आ गया 80 QQB, क्वालिटी बुक्स से आपको रॉयल्टी इनकम मिली तो 3 लाख तक का डिडक्शन। जरूरी है कि आप रेसिडेंट हो। अगर रॉयल्टी लमसम में मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख की इनकम मिली, 3 लाख डिडक्शन ले लो। अगर रॉयल्टी एज अ परसेंटेज मिल रही है तो आप डिडक्शन के पर्पस के लिए मैक्सिमम 15% ऑफ वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। 80 RRB, रेसिडेंट रचना बनाओ। रेसिडेंट आदमी कुछ क्रिएट कर देता है तो उसको पेटेंट मिल जाता है, पेटेंट के ऊपर अब उसको रॉयल्टी मिल रही है, सेम 3 लाख रुपए का डिडक्शन। 80 TTA, थोड़ी थोड़ी आमदनी। सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। TTB, थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा, तो सीनियर सिटीजन के लिए है। यहाँ 10,000 है, यहाँ 50,000 है, यहाँ सिर्फ सेविंग्स अकाउंट होता है, यहाँ पे FD भी एलिजिबल है। TTB में FD भी एलिजिबल है, बोलो हाँ या ना। JJA का मतलब जीव जंतु आओ, 100% प्रॉफिट 5 ईयर्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेटल करने का जो लोग काम कर रहे हैं उनको 5 साल का टैक्स हॉलीडे है, 5 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे है। JJAA, ज्यादा ज्यादा आदमी आओ, ज्यादा ज्यादा आदमी आओ। तो ये क्या है, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जितना आपने एम्प्लॉई को सैलरी पे खर्च किया उसका 30% आपको मिल जाएगा, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट। तो आपने पहले 100 लोग ले रखे थे, 150 कर दिए तो 50 लोगों का एडिशनल हो गया, फिर आपने 220 कर दिए तो 70 लोगों का एडिशनल हो गया, फिर आपने 300 कर दिए तो 80 लोगों का एडिशनल हो गया। तो 3 साल तक आपको जो एडिशनल कॉस्ट आपने भरी एम्प्लॉई के लिए उसके ऊपर आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसमें कौन कौन से एम्प्लॉई कवर्ड नहीं होते? वो लोग जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है वो कवर्ड नहीं होते, वो लोग जिनको आप 240 दिन से कम काम में लेते हो वो लोग कवर्ड नहीं होते। फुटवेयर और अपैरल के केस में 150 दिन का थ्रेशोल्ड है, ठीक है। वो लोग जो कि RPF में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे उनको भी, यानी कि वो टेम्पररी टाइप के एम्प्लॉई हैं, पेरोल पे आए नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर है, उनको आप काउंट नहीं कर रहे हो। बात समझ में आई? अच्छा जी, अगर किसी एम्प्लॉय को आप 240 से कम दिन रखते हो, 150 से कम दिन रखते हो, तो आपने हायर तो कर लिया। अब अगले साल जब मैं गिनने बैठूंगा तो मुझे तो ये लगेगा कि ऑलरेडी आप तो 220 पे हैं और मेरे साथ कैसा खेल हो गया। पिछले साल आपने मुझे डिडक्शन नहीं दिया ये बोल के कि 240 से कम है, और इस साल आप मुझे डिडक्शन नहीं दे रहे हो ये बोल के कि इस साल थोड़ी हायर किया तुमने, तो पिछले साल हायर किया था, तो भैया अगले साल तो मुझे डिडक्शन दे देना, ठीक है। 80LA का मतलब होता है लोन्स एंड एडवांसेस, 80LA का मतलब होता है लोन्स एंड एडवांसेस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में IFSC में
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोल के आप बैठे हो, तो जो भी आपने कमाया, पहले 5 साल का 100% एग्जाम, दूसरे 5 साल का 50% एग्जाम, बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। ATM का मतलब डोमेस्टिक कंपनी को डिडक्शन मिल रहा है, अगर डिविडेंड इनकम मिली है इसको फ्रॉम एनी डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड एज डिविडेंड या फिर अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो मिला 10 लाख, 8 लाख बांट दिया तो 8 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता है। अपन ने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारी इनकम पे डिडक्शन मिल जाता है, याद है ना? मैक्सिमम केसेस में तो इनको 100% मिल जाता है, अदरवाइज इनको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा ATP में। अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप लोग इकट्ठा हो गए स्टेशनरी खरीदने चले गए और आपने अपना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया, तो आपको 1,00,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं होता, अपने को पता है कि वो म्यूचुअलिटी का एक्सेप्शन है। अपन ने प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी में भी तो यही पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस वाले, ये लोग एलिजिबल नहीं है। ATPA क्या है? प्रोड्यूसर कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है, प्रोड्यूसर कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है, उसको 5 साल तक का टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा, उसको 5 साल तक का टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। फिर हम आ गए असेसमेंट प्रोसीडियर में, बहुत ही आसान। जॉन क्या होता है? 31 जुलाई लास्ट डेट होती है अगर ऑडिट नहीं करवाना, 31 अक्टूबर लास्ट डेट होता है अगर ऑडिट करवाना है, 30 नवंबर लास्ट डेट होता है अगर आपको 92E के तहत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कोई, अगर आपको कोई रिपोर्ट भरना है, अगर कोई 92 के तहत आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। वॉलंटरी रिटर्न, ध्यान से देखिए किसको किसको रिटर्न भरना ही पड़ेगा, कंपनी को, फर्म को, यूनिवर्सिटी, बिजनेस ट्रस्ट को, इन्वेस्टमेंट फंड को, एनी रेसिडेंट होल्डिंग एसेट आउटसाइड इंडिया शैल फाइल अ रिटर्न इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ इनकम। ये सारे लोगों को रिटर्न भरना ही पड़ेगा चाहे इनका कुछ भी इनकम हो, ये सारे लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा चाहे ये 1 रुपया कमा रहे हो, 5 रुपया कमा रहे हो, बोलो बात समझ में आई? अदर पर्सन के लिए क्या है? इनको तब रिटर्न भरना पड़ेगा जब ये 2.5 लाख से 3 लाख से 5 लाख से जो भी इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा कमा रहे हैं, यानी GTI इनका अगर उतना है तो इनको रिटर्न भरना पड़ेगा, अदरवाइज इनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस पे 2 लाख से ज्यादा खर्च करता है रिटर्न भरना पड़ेगा। 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल भरता है रिटर्न भरना पड़ेगा। टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है रिटर्न भरना पड़ेगा। ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है रिटर्न भरना पड़ेगा। 25,000 से ज्यादा किसी का TDS कटा, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा किसी का TDS कटा, कोई सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा करवाता है, इन सभी लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा इसको, ठीक है। अब बड़ा आसान 139(3) लॉस रिटर्न, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 139(4) बिलेटेड रिटर्न, कि 4 बज गए लेकिन रिटर्न अभी बाकी है। तो 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, आप अपना बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। 139(5) रिवाइज रिटर्न, 5 बजे उठ के रिवाइज कर। 139(8A) नया आया है, अपडेटेड रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया आया है अपडेटेड रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडिविजुअल वाले असेसमेंट में। मैंने इसके ऊपर पूरा सा डिफरेंस आपको दे रखा है कि अपडेटेड रिटर्न में और रिवाइज रिटर्न में फर्क क्या होता है, याद आ रहा है क्या कुछ? तो आप पढ़ते हो कि अपडेटेड रिटर्न सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, अपडेटेड रिटर्न लाइफ में सिर्फ एक बार, एक साल में सिर्फ एक बार फाइल किया जा सकता है, अपडेटेड रिटर्न की वजह से आपको रिफंड विफंड कुछ ना मिल सकता, अपडेटेड रिटर्न पे पेनल्टी होती है, रिवाइज रिटर्न पे नो पेनल्टी। रिवाइज रिटर्न 10 बार भरो, जो लास्ट वाला होगा वो वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। रिवाइज रिटर्न इनकम घटाने के लिए भी हो सकता है, बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, और उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, ऐसी बात समझ में आई। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज है 15 दिन आपका रिटर्न में साइन नहीं था, एनेक्जर नहीं थे, अटैचमेंट नहीं था, डिपार्टमेंट ने बोला भाई तेरा रिटर्न डिफेक्टिव है तो तुमको सुधारने के लिए बोला, तो 15 दिन के अंदर तुमको सुधारना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर तुमको सुधारना पड़ेगा, बोलो बात समझ में आई? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट फीस कितना है? 5,000 रुपया। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो आपके लिए लेट फीस हो जाएगा 1,000 रुपया। लेट फीस अलग होती है, पेनल्टी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, ये फीस है 5,000 1,000, इंटरेस्ट आपको अलग से देना ही पड़ेगा। 143(1) समरी असेसमेंट, 143(3) स्क्रूटिनी असेसमेंट। 143(1) का मतलब क्या हुआ? तुमने भरा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, असेसमेंट खत्म। 143(3) का मतलब क्या हुआ? तुमने भरा, उन्होंने सवाल पूछे, जवाब मांगे, स्क्रूटिनी असेसमेंट हुआ। 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट,
ये कब होता है? जब तुमको 142(1) का नोटिस दिया कि भाई रिटर्न भर दे, तुमने नहीं भरा। जब तुमको 142(2)A में बोला कि भाई ऑडिट करवा ले, तुमने नहीं करवाया। जब तुमको 143(2) में स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस दिया लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, तो तुम्हारा बाजा बजा दिया जाएगा। 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, आज इसका नाम आया था, मैंने आपको बोला था कि इसका नोटिस 148 में आता है, असेसमेंट 147 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 3 साल तक आपको ये वाला नोटिस दिया जा सकता है, अगर कोई भी अमाउंट हो, 10,000, 20,000, 50,000, कोई भी अमाउंट अगर एस्केप हुई है और एओ को अब लग रहा है यार ये वाले पे तो टैक्स लिया ही नहीं अपन ने, तो 3 साल पीछे जा सकता है। लेकिन अगर बात 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो 10 साल पीछे जा सकता है, 10 साल पीछे जा सकता है। तो बोला एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 10 साल तक का आपके पास समय है। तो प्रीवियस ईयर था मान लो 10-11, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 11-12। यहां से 10 साल तक का टाइम है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस देने का, बशर्ते मामला 50 लाख से ज्यादा का हो, बशर्ते मामला 50 लाख से ज्यादा का हो। ये भी खत्म हो गया। अब बच्चों बहुत लेट हो चुका है, आई वुड, अब कोई रिक्वेस्ट नहीं, अब घर मरो अपने अपने, ठीक है। अब अपना बचा क्या, अच्छा अच्छा तो 2 मिनट रुको, नहीं इसमें बहुत कुछ है पर अपने को बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। दिखा आपको, इसमें सिर्फ जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ना, बस अब आपको हाईलाइट कर लेना है ना मेरे साथ, अरे तो कुछ तो तुमको आइकिया मॉडल है, ये आइकिया मॉडल, थोड़ा थोड़ा खुद भी बनाओ तो मजा आएगा। सुनो जल्दी फटाफट, समय नहीं, हाँ डाउनलोड है, क्या करूं फिर, क्या करोगे, अभी भेजूं, भेज दूंगा। ये वापस वो सेट करके गया था, क्या हो जाता है, हेलो 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 बेटा अभी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? यस सर, यस सर, देखिए बच्चों देखिए, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स से डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। अब टीडीएस इज अ मींस ऑफ रिकवरी ऑफ इनकम फ्रॉम द एसेसी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में रिकवरी हो जाएगी। तुम्हारा बॉस तुमको सैलरी दे रहा है, टीडीएस काट के दे रहा है, तो उसी साल मिल गया सरकार को पैसा। पेयर ऑफ सर्टेन इनकम डिडक्ट्स टैक्स एट सोर्स एट द स्पेसिफाइड रेट ऑफ, एट द स्पेसिफाइड रेट at the time of accrual or payment of such income to the payee and pays such tax on behalf of the payee, यानी कि सरकार को जमा करवा देता है तुम्हारा पैन कोट करके कि भैया मेरे एम्प्लॉय का पैन ये है, आप उसके बिहाफ पे इतना रुपया टैक्स जमा कर लीजिए, मेरे को उसको सैलरी देनी थी, इतना टैक्स मैं आपको दे रहा हूँ। बोलो बात समझ में आ गई? कभी भी आपको टीडीएस में रेट याद नहीं हो तो 10% है। जब आपको रेट याद नहीं हो तो रेट, ठीक है। सैलरी का सबसे विचित्र है बच्चों,
सैलरी का सबसे विचित्र है, पहला वाला जो है सबसे विचित्र है। क्यों सबसे विचित्र? इसलिए, अच्छा अब ये पढ़ने की जरूरत है क्या कि सैलरी अगर मैंने बोला है तो टाइप ऑफ पेमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली सैलरी होगा। और पेयर कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा। पेई कौन होगा? एम्प्लॉई होगा, है ना? तो ये तो बकवास है। नो टीडीएस इफ, बोले यहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, एक रुपए की भी सैलरी दे रहा है तो वो आपका टीडीएस काट के ही देगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? कोई रेट नहीं है। एम्प्लॉयर क्या करता है? आपसे आपकी सारी डिटेल ले लेता है कि भाई तेरा इन्वेस्टमेंट क्या है। बस अभी लेक्चर में ही हूँ, मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में। हाँ करता हूँ हाँ। तो सुनो, रेट ऑफ टीडीएस कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयर आपसे सारी जानकारी ले लेता है कि तुम्हारा भाई और इनकम क्या है, तुमने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, और वो पूरा का पूरा जितना टैक्स आपका निकलता है उतना पूरा का पूरा आपसे टीडीएस काट लेता है। नहीं समझे? मान लो तुम सैलरी इनकम है 7 लाख रुपए, वो तुमसे पूछ लेता भाई तेरी और कोई इनकम है? तुम बोलते हो हाँ जी मेरी इनकम 3 लाख रुपए और है, और मैं ATC में 1.5 लाख का डिडक्शन ले रहा हूँ। तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, 7 + 3 = 10 हो गया, 10 में से 1.5 का डिडक्शन ले लिया, 8.5 हो गया, 8.5 पे इतना टैक्स निकलता है और वो उतना टैक्स आपकी सैलरी से काट देता है। तो 10%, 5%, 2% नहीं होता, जितना टैक्स निकलता है सारा काट लिया गया। बोलो बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद क्या है? Accumulated balance due to an employee from provident fund. तो 192 जो है, 192 जो था वो सैलरी का था, 192A जो है वो क्या है? Accumulated balance है provident fund का। देगा कौन? provident fund के trustees देंगे। मिलेगा किसको? employee को मिलेगा। amount 50,000 से अगर कम है तो TDS नहीं काटा जाएगा। amount 50,000 से अगर कम है तो TDS rate कितना? 10%। मैंने बताया, याद नहीं है तो 10%। स्कैम 92 के बाद में आया 93, तो 193 किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, तो मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। देगा कौन? कोई भी पेयर। मिलेगा किसको? किसी भी रेसिडेंट को। अमाउंट इज अप टू 5,000 इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, अप टू 10,000 ऑन 7.75 टैक्स सेविंग बॉन्ड वगैरह वगैरह वगैरह। नो TDS ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर इंटरेस्ट पेड टू LIC एंड GIC। तो आपको याद रखने वाला क्या है? डिबेंचर पे आपको 5,000 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो TDS नहीं काटा जाएगा। आपको उससे ज्यादा का मिल रहा है तो TDS काटा जाएगा। परसेंटेज अगेन कितनी है? 10%। डिविडेंड के ऊपर में भी परसेंटेज कितना है? 10%। दिखाई दे रहा है? हेलो, 194A में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा कोई इंटरेस्ट है तो भी रेट कितना है? 10%। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 10% है तो बता दिया कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। 194B में अपने बोल रहे हैं बड़ा लॉटरी, ठीक है, तो कैजुअल इनकम, लॉटरी, पजल वगैरह वगैरह वगैरह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे TDS का रेट भी बड़ा है 30%। TDS का रेट भी बड़ा है 30%। थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है? 10,000। थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है? 10,000। 194BB, 194BB मतलब घोड़ा भागा 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 भागा। इस पे भी बड़ा TDS का रेट है 30%। इस पे भी थ्रेशोल्ड का अमाउंट 10,000 है, तो 194B बोलो, BB बोलो, सब कुछ सेम ही है। 194CC से होता है कॉन्ट्रैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी से होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के केस में बच्चों 30,000 रुपया इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, 30,000 रुपया। तो तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 रुपए का, आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम किसी व्यक्ति को एक साल में 6 कॉन्ट्रैक्ट देते हो, एक 10,000 का, एक 12,000 का, एक 15,000 का, एक 10,000 का, एक 12,000 का। हाँ सर, नहीं नहीं अभी वहीं पे हूँ, हाँ चला रहा हूँ। हाँ तो 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे करके कोई भी 30,000 को एक्सीड नहीं कर रहा तो कोई TDS नहीं है। एग्रीगेट वैल्यू अगर 1,00,000 को एक्सीड हो जाएगी तो TDS काटना पड़ जाएगा। एग्रीगेट वैल्यू अगर 1,00,000 को एक्सीड हो जाएगी तो TDS
अब समझो एक कॉन्ट्रैक्टर है, तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कोई बिल्डिंग बनाने का, तुमने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया बिल्डिंग बनाने का, 1 करोड़ 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कमाई तो बहुत कम होगी ना। 1 करोड़ 2 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट है, 1 करोड़ 2 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसकी कमाई तो बहुत कम होगी। तो इसीलिए आप टीडीएस सैलरी में तो पूरी कमाई है ना, इंटरेस्ट पूरी कमाई है, डिविडेंड पूरी कमाई है, तो वहां पे 10-10% काट रहे थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को जब तुम पैसा दे रहे हो, जाओ कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को जब तुम पैसा दे रहे हो बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर को जब तुम पैसा दे रहे हो, तब तो 10% बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, उसका इनकम ही नहीं आएगा इतना कि इतना टैक्स लेना पड़े। तो 1% टीडीएस काटना है अगर बंदा इंडिविजुअल या एचयूएफ है, 2% टीडीएस काटना है अगर वो कुछ और है। तो बोलो बात समझ में आई। अब एक ध्यान देखो, कमीशन देख लो तुम, कमीशन 80D का दलाल इंश्योरेंस कमीशन अपन ने पढ़ा था, 80D पढ़ा था, 194D का दलाल इंश्योरेंस कमीशन। अब देखो कमीशन 5% दिखा आपको, नीचे 194G में जाओ, गैम्बलिंग में बोला है यहां पे भी कमीशन है, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा फॉर स्टॉकिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट बेचने का भी जो कमीशन है उस पर भी कितना है 5%। उसके बाद 194H अपन बोल रहे हैं हराम की कमाई कमीशन, अगेन कितना है 5% है। उसके बाद ब, 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 194M में जाओ, महंगा वाला कॉन्ट्रैक्टर दिखाई दिया, यहां पे भी क्या है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स कमीशन और ब्रोकरेज, वापस से परसेंटेज कितना है 5% है कि नहीं है? तो अपने को मोटा मोटी याद हो गया, कमीशन देखेंगे तो 5% ले लेंगे, कुछ नहीं याद है तो 10%, कमीशन है तो 5%। बोलो बढ़िया चल रहा है। 194E का मतलब होता है एक्सटर्नल एंटरटेनर, ई का मतलब होता है एक्सटर्नल एंटरटेनर, तो ये बाहर के नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन आए, एसोसिएशन आया, फॉरेन एंटरटेनर आया, टीडीएस का रेट है 20%। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को कुछ पैसा दिया, 20% टीडीएस काट के दोगे, ये शकीरा वकीरा को बुला लिया यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए, 20% टीडीएस काट के दोगे। बोलो बात समझ में आई? यस बोलो हाँ। 194E कुछ नहीं पड़ रहे, 10% है तो बस ठीक है, ठीक है। जी और एच हराम की कमाई पढ़ लिया। अब लेकिन ना ध्यान से देखो, 194I जो है और रेंट है, 194I जो है वो रेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा रेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा रेंट है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा हुआ है दिखाई दिया। 2,40,000 रुपए तक का अगर पेमेंट है, थ्रेशोल्ड अमाउंट है, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में सम या क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो थ्रेशोल्ड अमाउंट आपसे पूछेंगे कि कितने रुपए तक का होगा तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और उसमें भी पॉपुलर क्या होते हैं, लॉटरी, हॉर्स रेस, 10-10,000 रुपए आपने पढ़ लिया, 10-10,000 रुपए आपने पढ़ लिया, रेंट भी काफी पॉपुलर है, तो 2,40,000 भी आप याद रखिए, 2,40,000 रुपए भी आप याद रखिए। अगर रेंट है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए तो टीडीएस का रेट 2% है, नॉर्मल बिल्डिंग विल्डिंग का रेंट है तो 10% है। बोलो बात समझ में आई? हेलो, उसके बाद क्या है 194IB, इंडिविजुअल भी वाला रेंट, इंडिविजुअल यहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 50,000 रुपया पर मंथ है, थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है 50,000 रुपया पर मंथ, जो कि बहुत बड़ा रेंट होता है, तो ये थ्रेशोल्ड अमाउंट अपने को याद रखना पड़ेगा, और यहां पे रेट 5% का है। 194IA बहुत इंपॉर्टेंट है, IA का मतलब इमूवेबल एसेट, IA का मतलब हो गया इमूवेबल एसेट। अब मेरे को बताओ इमूवेबल एसेट जब बिकते हैं तो वो तो 1,500, 2,000, 20,000, 5,000 में तो बिकते नहीं है, तो यहां पे तो थ्रेशोल्ड अमाउंट भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, 50 लाख, और 50 लाख का घर बेच के कोई कमाएगा तो थोड़ा सा ही, तो इसीलिए 1%, 50 लाख से बेच के आप कमाओगे तो थोड़ा सा ही, तो 1%। बोलो बात समझ में आई?
यस, बहुत ही बढ़िया जी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। 194M क्या है? महंगा वाला कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन ब्रोकरेज, कमीशन नाम देखा तो 5% आ गया। महंगा वाला कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोल रहे हैं अपने? क्योंकि बच्चों यहां पे थ्रेशोल्ड अमाउंट देखिए 50 लाख ही नहीं आ रहे। थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है? 50 लाख इन अ ईयर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपका सामान बेचने में मदद कर रहा है, यहां पे थ्रेशोल्ड अमाउंट 5 लाख है, यहां पे थ्रेशोल्ड अमाउंट, और टीडीएस का रेट 1% है। टीडीएस का रेट 1% है। 196A में आइए, इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023B। यहां पे भी टैक्स रेट काफी, टीडीएस का रेट काफी बड़ा है, 20% है, 20% है, बाकी जगह 10% 10% 10% याद रहेगा, काफी है। परचेज ऑफ गुड्स है 194Q दिखाई दे रहा है। 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद रहे हो, तो भी आपको टीडीएस काटना होगा, और 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख, 55 लाख का खरीदा तो 5 लाख का 0.1%। बात समझ में आई? नेक्स्ट आ जाता है टीसीएस। टीसीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैंने आपको बताया था बीड़ी के पत्ते जब बेचते हैं तो बीड़ी के पत्तों पे 5% है, दिखाई दिया। मोटर कार 10 लाख से ज्यादा में बेची तो 1% है, दिखाई दिया। रेमिटेंस रिसिप्ट फॉर रेमिटेंस अंडर LRS आउट ऑफ इंडिया चलेगा, टूर पैकेज वगैरह का है ये, टूर पैकेज वगैरह के लिए आप पैसा दे रहे हो, जब SOTC को आप पैसा दे रहे हो घूमने के लिए, बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो वो आपसे टूर पैकेज का पैसा भी लेगा, साथ में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी ले लेगा। बस इतना ही काम का चीज है, सब कंप्लीट हो गया। जाओ अब घर जाओ। अब देखो मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरा नंबर आप सबके पास है, अब आप सही मायने में कुछ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब आपको कोई भी दिक्कत होगी ताजा ताजा है, याद आ जाएगा, नहीं याद आता है तो प्लीज आप